नविष्णा को अकेले छोटू को ये नहा के अभी जस्ट गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्नेहा सिंह आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे इंडियन मॉम स्नेहा इन जर्मनी में। अभी सुबह के करीबन 9:30 बजे हैं, मैं उठ चुकी हूँ, मैंने चाय रखा है, मेरे हस्बैंड का फास्ट है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साबुदाने को भिगा दिया है, आप देख सकते हैं मैं अभी भिगाया, मैंने रात को भिगाना भूल गई थी तो बनाने में तो उसके दोपहर हो जाएगी, तो दोपहर को मैं वो बना दूँगी क्योंकि हम दोनों की तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, तो डाइट और फलाना करने का कोई सेंस नहीं बनता। मेरी आंखों के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स हो गए, रीज़न ये भी है कि नविष्णा कंटिन्यू सोती नहीं है, उसे सुला दो फिर आधे एक घंटे में फिर से उठ जाती है, तो ऐसे ही मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती। इवन मैंने डॉक्टर से भी डिस्कस किया तो डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल है, इस टाइम पे बच्चे ऐसे ही करते हैं। मतलब मेरी मॉम से भी मैंने बात करी है, मेरी मॉम भी बोलती हैं कि नॉर्मल है, बच्चे कई बार उठते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर मेरी कंटिन्यू नींद नहीं होती है, मैं हर आधे घंटे में उठती हूँ, बहुत कम टाइम के लिए सोती हूँ, मतलब दिन में कब सोती भी नहीं हूँ जल्दी। एक हाथ बार ऐसे हुआ कि बहुत बॉडी थक गई है तो मैं जाके सो जाऊँ, अदरवाइज मैं दिन में कभी नहीं सोती कि मुझे थोड़ा बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट मिले। काम का क्या है, काम तो करना ही है, देखिए हाउसवाइफ हूँ, घर में काम तो कभी भी कम नहीं होता। और एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है कि मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है यहाँ पे हम मेड हाउस हेल्पर नहीं हायर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, मिलते हैं बट अननेसेसरी एक्सपेंसिव होते हैं वो, तो हम उससे प्रिफर करने से अच्छा हमारे पास मशीन है, सब कुछ है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं। इनफैक्ट आपको पता है मैं जब प्रेग्नेंट थी और मैं जब नविष्णा हुई तब भी सारी सब कुछ अकेले करना पड़ा मुझे, रीज़न की वजह से कोई नहीं आ पाया, उसके बाद कोरोना सिचुएशन आ गई तो सारा सब कुछ मुझे ऑल अलोन करना पड़ा और मैं डिलीवरी के लिए इंडिया भी नहीं जा सकी थी। उसका रीज़न ये था कि अगर मैं 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पर रहती, मेरा रेसिडेंट परमिट अभी तक हुआ नहीं है, तो 6 महीने से ज़्यादा मैं इंडिया से जर्मनी से बाहर रह भी नहीं सकती थी। तो एक तरफ बहुत अच्छा भी हुआ कि मैंने ये डिसीजन लिया कि हम यहीं पे करेंगे जो भी करना है, तो उसके बाद जो कोरोना का सिचुएशन आया तो अभी तक मैंने, मुझे नहीं पता शायद अब जाके ओपन हुआ है वीज़ा का, अदरवाइज़ करीबन दो साल से तो कुछ भी वीज़ा कहीं भी कोई वीज़ा नहीं लग रहे थे। फिर मेरे जो पहले के वीज़ा थे सब उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती, सब कुछ ख़त्म हो जाता, कुछ अकेले करना, नविष्णा को अकेले पालना, सब अकेले देखना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था बच्चे का, बट वही है माँ बनने के बाद सारी चीज़ें अपने आप सीख जाता है इंसान, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई उसके सेकेंड थर्ड डे से ही मैंने किचन ज्वाइन कर लिया था, किचन खाना बनाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड उतना ज़्यादा किचन में वो नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो मुझे सारा सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखी है जिसकी वजह से अगर मतलब मुझे कोई अभी दिक्कत तो नहीं होती वो सिचुएशन में, पर हाँ कभी कभी बहुत बॉडी थक जाती है, कभी कभी बहुत स्ट्रेस हो जाती है, यही था मेरी लाइफ का। और अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी जाननी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़ी इमोशनल हो जाऊँगी मैं, मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत गो थ्रू किया, मेरे बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए उस टाइम पर, बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हुई थी मैं उस टाइम पर, लेकिन अब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप देखिए मैं अभी बात कर रही हूँ तो भी मेरी आंखें भर आ रही हैं, तो मैं उतनी इमोशनल, मैं उस टाइम पे इतने इमोशनल ब्रेकडाउन्स हुए थे मेरे। तो ये अभी चल रही हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय पी रही हूँ, नविष्णा अभी उठेगी थोड़ी देर में, उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है मैंने, मेरे हस्बैंड को भी मैंने थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स दे दिया है। तो यही है, चलिए दोस्तों बहुत लंबी बातें हो गई, अभी थोड़ा काम निपटा लेते हैं। अभी का अपडेट ये है कि अभी मैंने अपने हस्बैंड के लिए फ्रूट्स कट कर लिए, उनका फास्ट है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनका फास्ट है तो उनके लिए फ्रूट्स लेके जा रही हूँ। अभी खिचड़ी बनाना बचा हुआ है, नविष्णा को ब्रेकफास्ट करा के फिर खिचड़ी बनाती हूँ और आप मेरे साथ रहेंगे, आज मैं आपको बताऊँगी महाराष्ट्र स्टाइल खिचड़ी कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए छोटू नविष्णा को नहा के जस्ट निकली है। हाय, मैंने सोचा आपको मिला दूं एक बार इससे। आओ, क्या कर रही है ये, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रही, अरे वाह,
अपनी स्कर्ट लेके आ रही हो, ये पहनो। तो फ्रेंड्स अभी मैं नविष्णा को हेडबैंड मार रही हूँ। एक्चुअली मुझे बाहर जाना है, उसको लेके थोड़ा घुमा के आऊँगी। काफ़ी एक हफ्ते हो गए हम लोग कहीं बाहर नहीं निकले। सामान लेने ही जाएंगे, ग्रोसरी आइटम लेने जाएंगे बस, और कुछ नहीं। मैं कोल्ड वाला जो मोड होता है वो वाला यूज़ करती हूँ नविष्णा के लिए, गर्म वाला नहीं करती। तो मैं आपको दिखाती हूँ। रेडी हो गए पहले बताओ। तो नविष्णा बिल्कुल रेडी हो गई, आप देख सकते हैं। ये देखिए नविष्णा का बिल्कुल सब कुछ रेडी हो गई, नहा धो के फ्रेश हो गई है। तो वेलकम बैक दोस्तों, अभी का अपडेट ये है कि मैं तैयार हो गई हूँ, आप देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पास में ही जाना है, ग्रॉसरी आइटम्स लेने हैं। तो यही सोचा था कि अभी थोड़ा घूम भी आऊँगी, मेरा भी मन थोड़ा घूमने का कर रहा है, घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। और नविष्णा को भी थोड़ा राउंड मरवा दूँगी। एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते से हम बाहर ही नहीं गए, एक हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट। हाँ एक हफ्ते, शायद एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया। मंडे लास्ट में गई थी मुझे जहाँ तक याद है, लंच का था कि, तो मैंने भी थोड़ा फ्रूट्स खा लिए थे। मैंने और मेरे हस्बैंड को भी मैंने फ्रूट्स कट करके दे दिया था, तो हम दोनों ने फ्रूट्स खा लिए। तो अभी खिचड़ी आने के बाद मैं बनाऊँगी उसके, चलती हूँ मैं, फिर वहाँ देखूँगी, आपको थोड़ा बहुत शूट करके दिखाऊँगी अगर कुछ रहा इंटरेस्टिंग तो। और नविष्णा व्लॉगिंग कर रही है, आपको दिखाऊँ क्या मैं? वो देखिए वहाँ से आप, मैं आपसे बातें, जैसे मैं कैमरा लेकर आ गई वो शांत हो गई, वरना अभी तक काफ़ी अच्छे से व्लॉगिंग कर रही थी, वो बंद हो गई। जानू मम्मा शोशे कला दो, मम्मा शोशे कला दो। तो चलिए दोस्तों, ये मैडम तो बोलना बंद कर दी और हम चलते हैं, इसे तैयार करती हूँ, इस जैकेट पहनाती हूँ और फिर आपको बाहर मिलती हूँ। अभी मैं मार्केट के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। बड़े दिन हो गए मैंने बाहर कोई दिखाया नहीं आपको। ठंडी नहीं है ज़्यादा, पर हल्की हल्की हवा बह रही है और बारिश हल्की फुल्की, बहुत हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। आप ये मशीन देख रहे हैं, यहाँ पे ये मशीन लगी रहती है। अगर आपने जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो गई, सोडे की बॉटल हो गई, और जैसे यहाँ पे बियर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, वो जब आप कैंस बाय करते हो तो आपको कुछ सेंट ये लोग रख लेते हैं, और रखने के बाद आप जब यहाँ पे वो मशीन में वो डालते हो तो आपको ऐसा रिफ़ंड मिलता है। ये एक रिसिप्ट टाइप का है, जैसे मेरा भी कोल्ड ड्रिंक की कुछ बॉटल्स थी तो उसका रिफ़ंड मिला है मुझे 1 यूरो 30 सेंट का। तो ये ऑलरेडी उन्होंने ले लिया होता है, जो कि आप बॉटल यहाँ वहाँ ना फेंको, आप ये मशीन में डायरेक्टली डालो, क्योंकि उससे फिर पैसे आपके वापस मिल जाएंगे। आपको कैरेट के कैरेट लोग लेके जाते हैं इसकी वजह से, तो वो मशीन में डाल। Best, even though I'm so stressed out, everything just feels
दोस्तों यहाँ पे चीज़ की वैरायटी आपको दिखानी थी मुझे। आपको ये पूरा रैक जो दिख रहा है ना, ये सब अलग अलग चीज़ है। ये देखिए, ये सब चीज़ है, देख सकते हैं इतना बड़ा। यहाँ पे चीज़ बहुत खाते हैं, फ्रेश चीज़ है जो ब्रेड में लगा सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं चीज़ जो क्रीमिश टाइप का होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं, टमाटो पेस्टो, बहुत सारे अलग 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 चीज़ आएंगे आपको। दोस्तों फिर अभी मैं घर पे आ गई हूँ, सामान सेट कर रही थी तो मुझे लगा आपको भी बता दूं मैं घर पे आ गई। ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो पाई, रीज़न ये था बारिश बहुत हो रही है। देखिए मेरे बाल भी भीग गए, काफ़ी बारिश होने लगी बीच में। यहाँ के वेदर का क्या ही बोलूँ मैं आपसे, हर रोज़ तो वही बोलती हूँ। अपना पैन रख दिया है, मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी, मिर्च कट कर दी है, जो मूँगफली है उसे बहुत बारीक तो नहीं फिर भी इतना बारीक पीस लिया है। अब मैं इसे साबूदाना जो मेरा भिगा के रखा है उसके अंदर मिक्स कर दूँगी। जब तक मेरा आलू अच्छे से पक नहीं जाएगा, मैंने कच्चे आलू काटे हुए, मैं उबले आलू नहीं डालती हूँ अपने साबूदाना में, तो इसको पका के तब तक वो ये जो मेरा जो पाउडर वाला सिंगदाना है वो मेरे साबूदाना के अंदर ही रहेगा, जो कि उसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है शायद साबूदाना में। ये मेरे मदर इन लॉ की रेसिपी है, मेरी सासू माँ की रेसिपी है, वो बहुत अच्छा साबूदाना की खिचड़ी बनाती हैं, तो मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ फटाफट काम। तेल डाला है मैंने, ऑलिव ऑयल, मैंने उसमें जीरा डालना है और थोड़े से करी लीव्स, फिर फटाक से मैं अपने ये जो आलू रखे हुए हैं वो इसमें डाल के इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। ये देखिए मैंने आलू डाल दिया, अब इसे अच्छे से फ्राई करूँगी, इसको आलू को अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब तक मैं इसको पकाऊँगी और उसके बाद साबूदाना डालूँगी। तो देखिए दोस्तों मेरे आलू काफ़ी अच्छे से पक गए हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं, क्रिस्पी भी हो गए हैं। अभी मैं इसमें तुरंत के तुरंत है वो डालूंगी, मैं अपनी मिर्ची लास्ट में डालूंगी नवीशने के लिए निकालने के बाद। और मैंने जैसे कि आपको बताया था इसमें मूंगफली को मैंने पीस लिया है, दरदरा बिल्कुल पाउडर नहीं किया, दरदरा है उसको मैंने पीस के इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसको इसमें आप देख सकते हैं मैंने इसमें इसको डाल दिया है, साथ ही साथ मैंने इसमें नमक स्वाद अनुसार डाला है। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लिया। अब मैं इसे 15 मिनट धीमी आंच पे रखूंगी। उसके बाद इसमें नवीशना के लिए पहले थोड़ा सा साबूदाना निकाल के फिर उसमें धनिया की पत्ती और मिर्च डाल दूँगी। ये देखिए दोस्तों मेरा साबूदाना करीबन 5-10 मिनट से पक ही रहा है। अब मैंने इसमें धनिया की पत्ती डाल दी है और करीबन 8 मिर्चियाँ डाली हैं, मैं काफ़ी तीखा बना रही हूँ। मैं हरी मिर्ची अपने खाने में ज़्यादा यूज़ करती हूँ लाल मिर्ची से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है हरी मिर्च ज़्यादा बेटर है। अगर आपको तीखा खाना है आप हरी मिर्च खा लीजिए, लाल मिर्च उतना ज़्यादा मत खाइए। ये मैं इसे 2 मिनट और पकाऊंगी और मेरा साबूदाना रेडी हो जाएगा। दोस्तों मेरा साबूदाना रेडी हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग दाने, हर एक दाना अलग है। दोस्तों मैं अभी केसर दूध बनाने जा रही हूँ। केसर दूध बहुत सिंपल रेसिपी है, और आज मन किया कि थोड़ा केसर दूध पिया जाए, मतलब मैं भी पीऊँगी साथ ही साथ मेरे हस्बैंड भी पियेंगे। बना रही थी तो मैंने सोचा आपको एक बार दिखा भी देती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। इसे करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसे बनाने के लिए आप रख दीजिए और इसे छोड़ दीजिए करीबन आधे घंटे के लिए धीमी आँच पर, तो ये अपने कड़ के बहुत टेस्टी बन जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनता है। तो दोस्तों देखिए मैंने दूध ले लिया है, इसमें मैंने केसर डाल दिया है और करीबन 4 छोटे चम्मच मैंने शक्कर डाल दिए है और थोड़ा इलायची का पाउडर डाला है, 1 चुटकी भर के इलायची पाउडर डाला है और बादाम का पाउडर और काजू का पाउडर डाला है इसके अंदर। अब इसको मैं पकने दूंगी धीमी आंच पे करीबन आधे घंटे के लिए और बीच बीच में आके इसे चलाऊंगी। तो दोस्तों देखिए मेरा दूध गड़ गया और मेरे बिल्कुल अच्छे से केसर दूध तैयार हो गया। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ मेरे हस्बैंड को गरम गरम, मैं ठंडे होने के बाद पीती हूँ, मेरे हस्बैंड गरम दूध पीते। तो ये देखिए दोस्तों मेरा केसर दूध। तो दोस्तों देखिए मेरा केसर दूध भी तैयार हो गया है और आपको मैंने बताया कैसे बनता है केसर दूध। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इलायची पाउडर, बादाम,
काजू का थोड़ा एक चम्मच पाउडर चाहिए और केसर चाहिए और दूध, अच्छा वाला दूध चाहिए। और ये करीबन आधे घंटे के लिए कड़के बनता है, बड़ा टेस्टी होता है। उसमें आप शुगर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, ट्राई करना ज़रूर। अब इसी नोट के साथ मैं आज आपसे अलविदा लूँगी और कल फिर से मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। और जाते जाते हर रोज़ की तरह यही कहूँगी कि मेरे व्लॉग अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है, कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब आज के लिए अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर, से स्टे सेफ।